लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। केंद्र की मोदी सरकार भारत के इतिहास में पहली बार रेलवे का निजीकरण करने जा रही है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 109 ट्रेनों का निजीकरण हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रेलवे के निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राजधानी भोपाल में आज अपने आवास पर चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस गरीब रथ चलाए थे और भाजपा अमीर रथ चलाने जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता का टैक्स सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि मुनाफा उद्योगपतियों का हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। भारत में गरीब की चलेगी या अमीर की चलेगी, प्रश्न इस बात का है। यूपीए सरकार में हम लोगों ने चलाया था गरीब रथ, और उसके चलाने के बाद भी लालू जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे मुनाफे में था। अब ये चलाना चाहते अमीर रथ, यानी कि निजी कंपनियों के द्वारा चलाई गई ट्रेनें, और उसमें खर्चा सरकार का, रेल जो बिछी हुई है सरकार ने बिछाई, जो अधिकारी कर्मचारी हैं रेल विभाग के हैं, और ये लोग जो हैं निजी कंपनी आके मुनाफा कमाने के लिए आना चाहती हैं, और इसमें सर्च टैरिफ होगा। जब भीड़ लगेगी तो महंगा, जब भीड़ नहीं है तो सस्ता। तो शादी में, ब्याह में, छठ में, इसमें सब में जब भीड़ बढ़ेगी तब किराया महंगा हो जाएगा। बात यही सही यही है कि मूल तौर पर भाजपा अमीरों की पार्टी है, और इसकी शुरुआत उन्होंने जब रेलवे बजट को शामिल कर दिया था नेशनल बजट में, उसी दिन से पता लगने लगा था कि अब निजीकरण होने वाला है, इसलिए हम निजीकरण का विरोध करते हैं। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।